खबर जयपुर से, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और इस सिलसिले में जो है प्रदर्शन आज भी लगातार किया जा रहा है। जैसे पेट्रोल डीजल और गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और लगातार इस प्रदर्शन में जयपुर में आज जो है प्रदर्शन किया गया और लगातार ये उग्र प्रदर्शन जारी है। मुख्य सचेतक और हवा महल विधायक डॉक्टर महेश जोशी के नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। कावटिया सर्कल से शास्त्री नगर सर्कल तक निकाली गई विरोध रैली पे पहुंचा दिया पेट्रोल डीजल में आग लगा दी। एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 9 रुपए और 3 रुपए थी, आज वो 33 रुपए 34 रुपए पहुंचा दी। 5,23,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के नाम पर इकट्ठे कर लिए और आप लगातार कोरोना में मौतें हो रही थी तो आप पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा रहे थे। देश जवाब मांग रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी जबरदस्त है, केंद्र सरकार फेल हो गई, राम मंदिर के चंदे में इन्होंने घोटाला कर दिया। ये घोटालों की सरकार है, कोरोना में ना ऑक्सीजन दे पाए, ना लोगों को आज तक वैक्सीन उपलब्ध करा पाए। 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी, वैक्सीन के पैसे मांग लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 35,000 करोड़ का हिसाब दो, लोगों में आक्रोश हो गया, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई, तब वैक्सीन फ्री करनी पड़ी क्योंकि वैक्सीन के पैसे लीगली कानूनी तरीके से ले ही नहीं सकते। देश में वैक्सीन फ्री लगाना केंद्र की जिम्मेदारी है क्योंकि केंद्र को हम टैक्स देते हैं। तो केंद्र सरकार जो धोखा कर रही है देश के साथ, इसलिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई कम करके देश की जनता को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला। सर भाई, अब एक बहस छिड़ चुकी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। हम कल मंत्री जी ने भी कहा था, हम तो हमारा एक केंद्र सरकार इस कानून को लेकर आ गई है। इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था हम तो हमारे तो, क्या कुछ कहेंगे कल आपने भी? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, 1975 में जो मैरियट स्टडी है उसमें आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने पूरे देश में ये नारा दिया कि हम दो हमारे दो और पूरे देश में अभियान चलाया। कानून बनाना चाहती थी उन्होंने, पूरे देश में जब अभियान चलाया तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में इंदिरा जी के खिलाफ मुहिम चलाई और ये कहा कि इंदिरा गांधी हमारे लिए दो बच्चों का कानून ला रही है, इसको लागू नहीं करने देंगे। और इतना बदनाम किया इंदिरा जी को उस वक्त, जबकि वो उस वक्त बन जाती पॉलिसी तो आज जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होती। उस वक्त कोई धर्म और जाति के नाम पर कोई बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने विरोध किया और विरोध करके नीति लागू नहीं करने दी। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है जनसंख्या नियंत्रण से। राजस्थान में यूपी से अच्छा कानून पहले से बना हुआ है, यहाँ यदि 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आरएस ऑफिसर का प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी में दिक्कत है, सुविधा में दिक्कत है, वो सब काम हमने कर रखे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस की सरकार गलती करे तो हमारा विरोध होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार गलती करे तो उसका भी विरोध होगा। बीजेपी सरकार के साथ दिक्कत ये होगी कि झूठ फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। इंदिरा जी की नीति को उस वक्त मान लेते आज देश के में जनसंख्या का विस्फोट नहीं होता। इंदिरा जी की नीतियों का इन्होंने विरोध किया, हम दो हमारे दो की नीति तो कांग्रेस ने लागू की। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करना चाहती है, जब जब चुनाव आते हैं फालतू की बातें करके लोगों का ध्यान हटाकर उनको जिस कानून की को लागू नहीं करना होता उसको सामने लेकर आती है, माहौल बनाती है। उनको जनसंख्या नियंत्रण नहीं करनी है, माहौल बनाकर वोट लेना है और माहौल बनाकर और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बैर भाव पैदा करना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है, यदि नीति और नियत स्पष्ट है तो देश की जनता से माफी मांगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए दिल्ली में, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाए और फिर करे ना जो भी करना है, तो वो तो पहले इंदिरा जी कर गई, नया कुछ भी नहीं करना है। लेकिन बीजेपी को ना तो कोई नीति बनानी है ना जनसंख्या पे नियंत्रण करना है, बीजेपी को तो देश में दंगे फसाद और आपस में बैर भाव पैदा करके धर्म के नाम पर बंटवारा करने की राजनीति करनी है। अब वो धर्म का बंटवारा वो कर नहीं पा रहे क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में को मानने वाले सब लोग समझ गए कि कोरोना ने धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, जंग सरकारों को आम आदमी को खुद को लड़नी पड़ी। इसलिए धर्म के नाम पर प्यार और प्रेम भाईचारा होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। जनसंख्या नियंत्रण कानून में बीजेपी की जो नीति और नियत स्पष्ट नहीं है, यदि है तो इंदिरा जी के नाम पर उनको माफी मांगकर इंदिरा जी की नीतियों को लागू करें। क्या जिस तरीके से महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है, आम जनता का जीना दूभर हो रहा है, जनता नारे लगा रही है कि मोदी तेरे राज में, सबकी कटोरा सबके हाथ में, स्थिति ऐसी हो गई है, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है। मोदी जी कहते हैं कि रसोई गैस काम में लो, रसोई गैस 400 से बढ़ा के 900 रुपये कर दी, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डीजल पेट्रोल सस्ता रहा उसके बावजूद दाम कहीं से कहीं पहुँचा दिए।
मोदी जी कहते हैं वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन सेंटर पर जनता जाती है तो वैक्सीन गायब मिलता है। कुल मिला के मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल है। दीपक जी, मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन जो है पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई को लेकर उग्र होता हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जा रहा है, दीपक क्या कुछ जो है प्रदर्शन के जरिए जो है जाहिर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है? जी दीपक, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, आवाज हमारी दीपक तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जयपुर पेट्रोल डीजल की गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं उसे लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है।